नमस्कार, आपका स्वागत है विकी इंडिया में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, हनुमान जी की सफलता के लिए सुंदरकांड को याद किया जाता है। श्री रामचरितमानस के इस पांचवें अध्याय को लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि इस अध्याय का नाम सुंदरकांड ही क्यों रखा गया। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। श्री रामचरितमानस में 7 अध्याय यानी 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें सुंदरकांड के अलावा सभी अध्यायों का नाम, स्थान या स्थितियों के आधार पर रखे गए हैं। बाल लीला का कांड बाल कांड, अयोध्या की घटनाओं का अध्याय अयोध्या कांड, जंगल के जीवन का अध्याय अरण्य कांड, किष्किंधा राज्य के कारण किष्किंधा कांड, लंका के युद्ध का लंका कांड और जीवन से जुड़े प्रश्नों उत्तर का अध्याय उत्तर कांड। तो केवल सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड ही क्यों रखा गया? दोस्तों, जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे, जो त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी कि यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुबैल पर्वत, जहाँ के मैदान में रामायण का युद्ध हुआ था। दूसरा पर्वत था नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका बनी हुई थी। इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी की मुलाकात माता सीता से हुई थी। यही घटना इस अध्याय की प्रमुख घटना है, इसलिए इस अध्याय का नाम सुंदरकांड रखा गया। अक्सर शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से बजरंगबली की कृपा जल्द ही प्राप्त होती है। इस कांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता माता की खोज की थी। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसी ही रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।